वेलकम बैक एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस सेट 5, जिसमें क्वेश्चन रहेंगे आपके 12th अप्रैल के, जो सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल टीयर 1 में। तो हमेशा की तरह यहां पर भी 25 क्वेश्चन को करेंगे हम, जो एक सेट में पूछते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है सबसे, ये कुछ ये रहा आपके सामने, है ना। इसमें हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। तो देखो, इसको स्मार्टली कैसे करते हैं, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना होता। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, अगर मैं यहाँ पर इक्वल का साइन लगाऊं, ठीक है, और यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाऊं, तो ये नंबर जो है ना काफ़ी बड़ा बन जाएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूँ बाकी को, तो ये 88 नहीं बल्कि इससे बड़ा ही नंबर आने वाला, ये आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मैं दूसरे नंबर को ट्राई करूँ, ये तो ख़त्म हो गया आपका। इसमें देखो यहीं पर मल्टीप्लिकेशन का यूज करना आपको, ठीक है। अगर यहाँ पर करोगे तो ये इसको सोच के देखो ये कितना बड़ा नंबर है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, फिर ये भी ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया। अगर मैं तीसरे को ट्राई करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको डिवीज़न लगाना पड़ेगा, और ये 42 से 120 डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये फ्रैक्शन में आने वाला है, जो आपका इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो ये भी आपका यहाँ से ऑप्शन बाहर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही हो जाएगा। आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इक्वल का साइन लगाऊँ, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं माइनस, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करके करता हूँ। यहाँ पर आपको इक्वल का साइन लगाना है, यहाँ पर आपको माइनस, और यहाँ पर आपको प्लस, और यहाँ पर जो है डिवीज़न का, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का, है ना। तो अगर हम इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो 5 बार में ये ख़त्म हो गया। 5 × 2 यहाँ पर 10 हो गया, प्लस यहाँ पर है, और यहाँ पर प्लस 42, माइनस यहाँ पर 120, है ना। तो देखो ये कितना हो गया, 130 माइनस 42, जो आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर 88 मिलने वाला है, है ना। अब यहाँ पर आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन है कि इनमें से जो है ना इलस्ट्रेशन, यहाँ पर जो ये फिगर है इलस्ट्रेशन इसका, इनमें से किसका यहाँ पर किया गया है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है ना, कि देखो यहाँ पर ये 2 सर्कल है ना, इसका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये दोनों के दोनों इस बड़े वाले के अंदर में, यानी कि इस दोनों के अंदर में आने वाला है। अगर आप यहाँ पर 4th नंबर देखो, तो करेंसी जो है ना, यहाँ पर टाका भी करेंसी है और यहाँ पर पेसो भी करेंसी का नाम है। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन कर सकते हैं, यहाँ पर बाकी को चेक करने का जरूरत नहीं, ये साफ दिख रहा है आपको, है ना, कि करेंसी के अंदर में ही टाका भी आएगा और पेसो, और पेसो और टाका का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है कि यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डेट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, है ठीक है ना। तो इसको लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में इनमें से कौन सा ऑप्शन को करेक्टली यहाँ पर अरेंज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो है ना बुक से रिलेटेड है, इसको अब जब देखोगे नंबर पढ़ोगे ना, इसको बुक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखो चैप्टर लिस्ट है, बिब्लियोग्राफी है, यहाँ पर प्रीफेस है, यहाँ पर कवर पेज है, यहाँ पर चैप्टर है। तो देखो किसी भी बुक में सबसे पहले क्या होगा, आपका कवर पेज होगा, है ना, यानी कि 4th नंबर तो सबसे पहले होने वाला है। तो यहाँ पर ये पहला और ये आपका ख़त्म हो गया, है ना। अब इसके आगे देखो, है ना, यहाँ पर क्या है, 3 है और 5 है, 3 और 5 यहाँ चैप्टर और यहाँ पर प्रीफेस। तो देखो बुक के आगे में सबसे प्रीफेस होता है, है ना, तो प्रीफेस सबसे पहले आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से करेक्ट होने वाला है ना। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। कहने का मतलब ये है कि बुक में जो ना स्टार्टिंग से क्या होता है, उसी का अरेंजमेंट यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है, उसी को हमको अरेंज करना था, और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज से, है ना। यहाँ पर क्या है, 82 105, यहाँ पर 136, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, ये हमसे पूछा है। अब यहाँ पर देखो इसमें कितने का गैप है, है ना, यहाँ पर 82 यहाँ पर 105, है ना, यानी कि 20 और यहाँ पर ये, यानी कि 23 यहाँ पर गैप हो गया। इसमें देखो कितने का गैप है, 36 में 5 जाएगा, यानी कि 31। फिर यहाँ पर देखो कितने का गैप है, यानी कि 40 30 70, यानी कि 41, है ना, 31 41। अब यहाँ पर देखो आपको इससे पैटर्न दिख गया होगा, है ना, यहाँ पर सभी के सभी प्राइम नंबर है ना। अभी देखो इसको और वेरीफाई करते हैं अच्छे से, जब हम इसको माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर आपका 4 आएगा, यानी 47। और जब हम इसको माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 9, है ना, और यहाँ पर कितना हो गया आपका, 5, ठीक है, यानी 59। तो इसमें पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है ना, सभी के सभी यहाँ पर प्राइम नंबर तो है, है ना, सभी के सभी, लेकिन यहाँ पर एक और पैटर्न है कि सभी के बीच में एक और प्राइम नंबर है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 29 है, यहाँ पर क्या है, 37 है, है ना, यहाँ पर क्या है आपका, 43 है, यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर है 53, ठीक है। ये कुछ इस तरह का आपका जो है ना पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी कि अगला जो होगा ना यहाँ पर, हाँ, तो हम जो यहाँ पर 283 में ऐड करेंगे वो हमारा इससे आगे वाला नहीं बल्कि जिससे आगे से आगे वाला होगा, यानी कि इससे आगे तो 61 है और उससे आगे आपका हो जाएगा 67, ठीक है। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर 0 हो गया
और ये 5 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया, 350 है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पैटर्न क्या था कि सबके बीच में तो गैप जो था वो तो प्राइम नंबर था और इसके बीच में भी एक प्राइम नंबर आ रहा था, है ना, उसी को हम फॉलो किए। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर हमारे पास कुछ पजल है जहाँ पर मिसिंग नंबर हमसे पूछा गया है ना। तो यहाँ पर देखो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, अगर आप यहाँ पर देखो 18, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 17, तो इसमें देखो पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। अगर मैं इस दोनों को ऐड करूँ है ना और इसमें इसको माइनस करूँ, इतना हो जाएगा ये 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, और इसमें अगर मैं माइनस करूँ 8 को तो यहाँ पर आपका आएगा 17, ठीक है, जो यहाँ पर है आपका लिखा हुआ। इसमें वेरीफाई कर लेते हैं इसको, 19 + 9 ये कितना हो गया आपका 28, और इसमें अगर माइनस करें 14 को तो आपका 14 आने वाला है, तो ये भी बिल्कुल सही जा रहा है। तो यहाँ पर यही इसी को अप्लाई करते हैं, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, और इसमें हम माइनस करेंगे 11 को कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 2 यानी कि 21, तो आपका जो सेकंड नंबर ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारे पास पूछा है कि इंटरचेंज करें इसमें से किस दो साइन को जो हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, है ना। तो इसको करके देखते हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर डिवीज़न और माइनस को हम इंटरचेंज करें। अगर मैं यहाँ पर देखो माइनस कर दूँ और यहाँ पर मैं डिवीज़न कर दूँ, ये 3 से 8 तो डिवाइड होने वाला ही नहीं है ना, यानी कि ये फ्रैक्शन में आ जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन हट जाएगा, है ना, एलिमिनेट कर देते हैं इसको। अगर दूसरे को देखें यहाँ पर, तो ये प्लस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन को यूज कर दूँ तो यहाँ पर 6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ना काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा, और ये 5 बाद में नहीं पूरने वाला, इसको भी मैं यहाँ से हटा दूँ। और यहाँ पर अगर हम तीसरे ऑप्शन को चेक करें, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको कि माइनस यहाँ पर करना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, ये कितना हो गया आपका 24, और यहाँ पर ये 6 हो गया, है ना, और यहाँ पर 23, तो यहाँ पर देखो -1 + 6 यानी कि आपका 5 आ गया जो यहाँ पर है, है ना, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ना ये आपका करेक्ट हो गया, है ना, आप इस तरह से इसको कर सकते थे। अगला जो है क्वेश्चन ये है आपका कि इनमें से कौन, ये सीरीज का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सा जो है ना क्लस्टर आएगा, लेटर क्लस्टर। तो इसमें देखो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो F है 6, है ना, यहाँ पर U है 21, है ना, यहाँ पर O 15 है, और यहाँ पर L 12 है, F 6 है। इसमें देखो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये देखो एक दूसरे का अपोजिट है ना, अपोजिट में क्या होता है सम जो है ना 27 होता है आपका, ठीक है, यहाँ पर अपोजिट है ये आपका। इसके बाद इसमें देखो कितने का गैप है, 15 + 6 = 21, यानी कि 6 का गैप हो रहा है, -6 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखो अपोजिट है एक दूसरे के, है ना, यहाँ पर फिर कितना है, -6 का गैप है, तो फिर यहाँ पर अपोजिट होना चाहिए ना, यानी कि आपका यहाँ पर 21 होना चाहिए, और 21 किसका होगा, U का होगा, है ना। तो U यहाँ पर देखो एक ही ऑप्शन में, ये ख़त्म ये ख़त्म, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, यहाँ पर देखो C कितना है, 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर 18, यानी कि R होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो इसमें R है ना, तो अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। यहाँ पर हमको पहले अल्फ़ाबेट से आंसर मिल गया तो आगे जाने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये है मिरर से क्वेश्चन है, मिरर से कि इनमें से इस ए बी मिरर के जो है ना अबाउट इसका मिरर क्या बनेगा इस फिगर का। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है ना, इसको देखो और करो। तो यहाँ पर देखो के का जो है ना कुछ इस तरह का के बनने वाला है यहाँ पर मिरर में, तो इस तरह का के यहाँ पर देखो ये वाला हट गया है ना। अगर मैं यहाँ पर आपको आर के आर से कंपेयर करूँ है ना, आर तो आपका आर किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा है ना, लेकिन यहाँ पर तो इस तरह से है, तो यानी कि ये दोनों में से कुछ होने वाला है। और अगर मैं यहाँ पर इसको कंपेयर करूँ ना स्टार को, तो यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर 6 निकले हुए हैं है ना, यहाँ पर देखो इस तरह से 6 कॉर्नर निकले हुए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखो नीचे वाले में कितने 5 कॉर्नर निकले हुए हैं, यानी कि ये तो गलत है ना, ये तो गलत फिगर ही है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है आपका सही होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये क्या है कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट से, ठीक है, यहाँ पर 7 फ्रेंड है जिसका नाम यहाँ पर है सुवी, प्रिंस, केतन, विशाल, महिमा, क्रिश, एर और एंड नैतिक। यहाँ पर सभी के सभी जो है ना अराउंड अ सर्कुलर टेबल यहाँ पर बैठे हैं जिसका बैक जो है ना टूवर्ड सेंटर है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक फिगर बनाऊँ इस तरह से, तो सभी का जो है ना बैक जनरली क्या होता है, सभी जो है ना सेंटर की तरफ फेस करके बैठे होते हैं, यहाँ पर लेकिन उल्टा है, कुछ इस तरह से बैठे हुए यहाँ पर है ना, कुछ इस तरह से, यानी कि इस तरह से बैठे हुए एक दूसरे के बगल में, ठीक है। यहाँ पर 4, 5, 6 और ये 7, ये 7 बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला लाइन क्या है कि
सो वी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस, है ना। प्रिंस अगर मान लेते यहाँ पर है ना, तो इसके जो है ना, अब देखो आपको फेस जो है ना बाहर की तरफ करके सोचना है ना। बाहर की तरफ फेस करके जब सोचोगे तो आपका जो है ना राइट इधर हो जाएगा, है ना, इधर राइट हो जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि सुवी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस, तो इसके राइट यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है ना सुवी हो गया आपका। आगे क्या है कि नैतिक एंड क्रिस आर नॉट सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट और राइट ऑफ विशाल, है ना। यानी कि विशाल के इमीडिएट राइट और लेफ्ट में यहाँ पर नैतिक और क्रिस नहीं है, है ना। नैतिक क्रिस, इसको अभी हम नोट करके रखते हैं। आगे क्या है कि यहाँ पर विशाल इज सिटिंग एट द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिंस, यानी कि पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर जो है ना आपका विशाल बैठा हुआ है प्रिंस के लेफ्ट में तीसरे पोजिशन पर, यहाँ पर कौन है, विशाल है। तो अब यहाँ पर क्या है कि महिमा इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ विशाल, है ना, राइट ऑफ विशाल। तो यहाँ पर अगर विशाल है तो विशाल का राइट तो क्या हो जाएगा, है ना, विशाल का राइट यही होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका महिमा बैठी हुई है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि नैतिक और यहाँ पर क्रिस जो है ना, यहाँ पर विशाल के आसपास तो बैठने वाला नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये दोनों नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर एक ही बंदा बैठता है, यहाँ पर केतन बचा हुआ है ना, केतन ही तो बचा हुआ है ना, सिर्फ केतन यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो नैतिक और क्रिस है ना, या तो नैतिक यहाँ पर होगा और क्रिस यहाँ पर होगा, या तो यहाँ पर क्रिस होगा, यहाँ पर आपका नैतिक होगा। इस तरह से आपका बनने वाला अरेंजमेंट सिटिंग का पूरा। लेकिन हमसे क्वेश्चन जो पूछा है कि हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस, प्रिंस के तीसरे है ना राइट पोजिशन पर कौन बैठा हुआ है। तो प्रिंस आपका कहाँ पर है, यहाँ पर प्रिंस है, इसके राइट तो यही हो गया ना, इस तरफ राइट होगा इसका, तो यानी कि पहला दूसरा तीसरा, यानी कि केतन यहाँ पर बैठा हुआ है ना। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यहाँ से करेक्ट होने वाला है, केतन आपका प्रिंस के राइट थर्ड में बैठा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास जो है ना ब्लड रिलेशन से दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास जो है ना 7 फैमिली मेंबर है, जिसका नाम यहाँ पर बी सी डी ई एफ जी एच यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है, ये सभी के सभी फैमिली मेंबर है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है ना कि H इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ D, मान लेते हैं D यहाँ पर है ना, तो D का एकलौती यानी कि क्या है, डॉटर इन लॉ यानी कि बेटे की वाइफ, यानी कि मान लो इसका एकलौता बेटा यहाँ पर है, इसकी वाइफ जो है ना यहाँ पर कौन है, आप यहाँ पर इसको H लिख देते हैं, H यहाँ पर नाम है इसका। और यहाँ पर E इज द सिस्टर ऑफ C, है ना, इसको भी नोट करके रखते हैं अभी, इसको यूज नहीं करेंगे। और इसके बाद का जो पॉइंट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सी इज़ द ओनली सन ऑफ एफ, है ना, सी जो है ना ओनली सन ऑफ एफ, एंड हु इज द वाइफ ऑफ डी, है ना, जो डी की वाइफ है, डी की वाइफ भी है यहाँ पर एफ, और एफ का एकलौता सन यहाँ पर है जिसका नाम सी, हमको यहाँ पर इसका नाम पता चल गया, ठीक है, इसका नाम सी है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको भी यूज कर लेते हैं, ई इज़ द सिस्टर ऑफ सी, यानी कि इसकी जो है ना, यानी कि ये कौन है, सिस्टर है, ठीक है, सी से यहाँ पर इसकी सी नहीं, इसका नाम है यहाँ पर ई, ठीक है। अब यहाँ पर आगे एक और यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है कि बी एंड जी आर द सन ऑफ एच, यानी कि एच का जो दो बेटा है यहाँ पर, कौन कौन, यहाँ पर बी एंड जी, ठीक है, बी एंड जी। तो क्वेश्चन में जो पूछा है ना कि हाउ इज जी इज रिलेटेड टू एफ, जी जो है ना, ये जी एफ से किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। देखो एफ के मतलब बेटे का, ये बेटा हुआ ना, तो यानी कि ग्रैंड सन हो गया ये, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो है ना ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर जो है ना श्लोक से पूछा है क्वेश्चन, यहाँ पर तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर कंक्लूजन है, देखते हैं। इसको बनाने का दो तरीका है ना, तो हमको जो आसान पड़ेगा उसको हम यूज करेंगे। यहाँ पर देखो वेन डायग्राम से इसको काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि ऑल फ्लावर आर ब्लू, फ्लावर जितने हैं सभी के सभी ब्लू हैं। अगला है ऑल ब्लू आर गुड, है ना, यहाँ पर ऑल ब्लू आर गुड, नो गुड आर नो गुड इज रेड, है ना, यानी कि रेड जो है ना बिल्कुल अलग है इन सभी से। तो यहाँ पर जो पहला कंक्लूजन है कि नो रेड इज फ्लावर, यहाँ पर रेड है, फ्लावर से कोई मतलब नहीं इसको, है ना, ये तो बिल्कुल सही है यहाँ से। नो रेड इज बस, यहाँ पर देखो बस या फिर ब्लू कुछ भी ले लो, है ना, ऐसे यहाँ पर बस लिखा हुआ है, अगर ब्लू भी रहेगा ना तो भी इसका रेड से कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये भी आपका सही है। सम गुड आर फ्लावर, यहाँ पर देखो आप गुड है यहाँ पर, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर फ्लावर है, यानी कि ये भी सही यहाँ पर कहा जा रहा है। और सम गुड आर ब्लू, सम गुड आर ब्लू, ये भी सही है ना, यहाँ पर ब्लू जो है ना कुछ ही है किसका,
गुड का, यानी कि यहाँ पर हमारे चारों के चारों कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में देखो यहाँ पर लिखा ऑन ऑल कंक्लूजन फॉलोज, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है ना, ये आपका कुछ देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा, कि अमंग फाइव बॉक्सेस ए बी सी डी ई, है ना, ए बी सी डी ई यहाँ पर है, पांच बॉक्स है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, सबसे पहला स्टेटमेंट जो है ना, बी इज ट्राइस एज हैवी एज ए, बी जो है ना जी तीन गुना हैवी है ए से, ठीक है। सी इज 40 के जी हैवियर देन ई, सी जो है ना ए ई से, एक सेकेंड, ई से 40 के जी यहाँ पर हैवी है। और यहाँ पर डी जो है ना, डी इज ट्राइस एंड हाफ टाइम्स हैवी एज ई, यानी कि डी जो है आपका ट्राइस हाफ ऑफ ई, एंड सी इज 5 टाइम्स एज हैवी एज ए, यानी कि सी जो है ना आपका ए से 5 टाइम्स हैवी है। और लास्ट में क्या है, द वेट ऑफ ई इज 40 के जी, है ना, यानी कि ई बराबर कितना है, 40 के जी है आपका। विच ऑब्जेक्ट इज लाइटेस्ट ऑफ ऑल एंड व्हाट इज इट्स वेट, है ना, और इसका वेट क्या है और सबसे लाइटेस्ट क्या है। तो सिंपल सा बात है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, 50 है, 16 है, 12 है, 125 है, यही ना जी। तो यहाँ पर देखो अगर मैं ई को, है ना, यहाँ पर ई है तो यानी ये डी यहाँ पर कितना होने वाला आपका, या फिर यहाँ पर ले लो सी आपका कितना होगा, सी आपका हो जाएगा 40 प्लस 40 80 हो जाएगा, है ना। और मैं अगर यहाँ पर 80 लिखूँ तो यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, 16, ठीक है, 16 पंच 80। इसके बाद यहाँ पर किसी को आप यहाँ पर पुट करके देखो, यानी यहाँ पर ई है यानी कि 20 या 60, यानी कि डी आपका 60 होने वाला है, है ना, ये आपका 60 होने वाला है। सी आपको पता ही चल गया यहाँ पर 80, है ना, यहाँ पर जब ए आपका 16 है तो बी यहाँ पर 48 हो जाएगा, यानी कि सबसे कम यहाँ पर ए ही आ रहा है ना, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ना बी, ए का जो है ना वेट यहाँ पर 16 के जी, यहाँ पर ये आपका जो है ना लाइटेस्ट ऑफ ऑल एंड इसका वेट कितना है 16 के जी। आप इसको इस तरह से आसानी से कर सकते थे, है ना। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इम्बेड इन द गिवन फिगर। यहाँ पर देखो एक छोटा सा जो सिली मिस्टेक करते हैं लोग ना, कि यहाँ पर सिर्फ एक नॉट यूज कर देगा आपको, ठीक है ना, और उसमें क्वेश्चन पूरा उल्टा हो जाता है, ठीक है, इसी को मिस कर जाता है लड़के और यहाँ पर अपना मिस्टेक कर बैठते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कौन सा इसमें से फिट करेगा, है ना, इम्बेड कर जाएगा। यहाँ पर रोटेशन नॉट अलाउड ये हमेशा लिखा रहता है। इससे पहले फिगर को अगर हम चेक करेंगे ना यहाँ पर, है ना, यहाँ पर चेक करोगे तो ये देखो, यहाँ पर पहले लाइन के पास यहाँ पर दो लाइन खींचा हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है सेकंड लाइन के पास खींचा हुआ, ये आपका गलत हो गया यहाँ से। फिर यहाँ पर अगर आप इसको चेक करोगे, है ना, इसको जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा जी, ये ना, यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का बनेगा आपका, ये कुछ इस तरह का, है ना। तो यहाँ पर देखो आपका ये बिल्कुल फिट कर रहा है, ठीक है, यानी कि यही आपका सही होने वाला है। अब बाकी को देखो ये गलत ही होगा, जैसे कि यहाँ पर देखो आप, है ना, कुछ इस तरह का है, यहाँ पर इसको पूरा एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर ये तो है ही नहीं यहाँ पर इसमें, तो ये आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर तो है ही नहीं, है ना, तो यानी कि ये भी गलत था आपका। तो ऑप्शन नंबर जो वी है ना आपका, यही करेक्ट है यहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये सीरीज से पूछा है क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास देखो ये जो है ना, इसको हम यूज करते हैं ए, मतलब जो है ना डी के पहले यहाँ पर, तो डी देखो यहाँ पर हम ए इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, ए के पहले यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर हम बी पुट कर देते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर डबल वी आ गया तो यहाँ पर डबल वी लगाते हैं, तो बी के पहले यहाँ पर एम है तो यहाँ पर एम लगा देते हैं, और एम के पहले यहाँ पर यू है, है ना, और यहाँ पर बी के बाद जो है यहाँ पर बी है डबल वी, फिर यहाँ पर ए है, और यहाँ पर यू के पहले यहाँ पर क्या है आपका जे है, और यहाँ पर ए के बाद यहाँ पर डी है, है ना। देखो यहाँ पर आपका पैटर्न बन गया J U M डबल V A D, है ना, ये देखो ये बन गया आपका J U M डबल V A D, J U M डबल V A D, यानी कि ये आपका जो है ना एक सीरीज बन गया, है ना। अब यहाँ पर इसको मैच कर लेते हैं, जैसे कि आप कहीं से करो, आगे में देखो बहुत सारे सिमिलर हैं, तो हम पीछे से इसको मैच करते हैं, यानी कि ये सबसे लास्ट में A आएगा, फिर B आएगा, है ना, A V, है ना, यहाँ पर A V, उसके बाद क्या आएगा जी, U आएगा, ये ख़त्म हो गया आपका, इसके बाद आपका B आएगा, ठीक है, यहाँ पर B है, और कुछ आगे से चेक कर लेते हैं, यहाँ पर U, है ना, यू बी, यहाँ पर D, देखो तीसरे नंबर में क्या है आपका D, है ना, यानी कि आपका D है, तो यानी कि आपका जो है ना यहाँ से ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना आपका करेक्ट होने वाला है, थर्ड नंबर इसका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, कि यहाँ पर जो है विच ऑफ द ऑप्शन फिगर,
पैन रोटेट्स इतना डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डिग्री है ना, एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री, और यहाँ पर 45 डिग्री क्लॉकवाइज विल रिजल्ट इन गिवन क्वेश्चन फिगर। देखो यहाँ पर जो मिस्टेक करोगे आप क्या करोगे, कई लोग क्वेश्चन को बिना अच्छे से पढ़े इस फिगर को रोटेट करेगा इतना एंटी क्लॉकवाइज, फिर इतना क्लॉकवाइज, और फिर यहाँ पर किसी को पिक कर लेगा, है ना, जो आप बिल्कुल गलत कर बैठोगे। यहाँ पर हमारे पास साफ साफ लिखा हुआ है कि बीच ऑफ द ऑप्शन गिवन ऑप्शन फिगर, यानी कि ऑप्शन फिगर को हम रोटेट करें इस तरह से, तो ये वाला फिगर हमको मिलना चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को मेरी। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो कि अगर ये मान लो कुछ इस तरह से था, है ना, अगर मैं इसको 270 लेके जाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ में जाना पड़ेगा हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है, कुछ इस तरह से 270, और मैं फिर से इसको 45 एंटी क्लॉकवाइज में यानी कि यहाँ पर मैं रोटेट करूँगा इसको, तो कुछ यहाँ पर चला जाएगा, है ना। और देखो यहाँ पर इसका जो ये है ना, इसका इसको पूंछ बोल दें, तो ये कुछ यहीं पर है, यानी कि जो है ना ये यहाँ पर आने वाला है, इस डायरेक्शन में आने वाला, और इस डायरेक्शन में यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यानी कि पहला नंबर में, है ना, तो यही आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आप फिगर को रोटेट करोगे, फिगर को इस मैन फिगर को रोटेट करके ऑप्शन मैच करोगे, तो आपका कुछ और ऑप्शन आ जाएगा जो वो गलत रहेगा। जैसे इसको रोटेट करके देख लो आप, अगर मैं इसको यहाँ पर पहले सबसे पहले 270 रोटेट करूँ, तो यानी कि ये कहाँ पर जाएगा आपका, यानी कि 180 तो यहाँ चल जाएगा, है ना, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 180 यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आएगा आपका, यानी कि ऊपर चला जाएगा इसका डायरेक्शन, है ना, तो यानी कि यहाँ से फिर आप इसको पिक करोगे, जो आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑप्शन वाले फिगर को रोटेट करना हमको, है ना, और इतना पुराना है, तो हमको ये वाला जो है पहला फिगर है ना, इसी को रोटेट करने से ये हमारा आंसर जो है पुरने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है ना सीरीज से क्वेश्चन पूछा है कि 28, 32, 41, 57, अब नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, इसमें गैप देखो कितने का है, यहाँ पर कितने का है, 4 का गैप है, यहाँ पर आपका 9 का गैप है, और यहाँ पर कितने का गैप है आपका 9, और यहाँ पर 7 यानी कि 16 का गैप। अब जो है ना यहाँ पर अभी पैटर्न आपको नहीं दिखा होगा, लेकिन इसमें अगर हम गैप देखें, यहाँ पर कितने का है 5, यहाँ पर आपका 7 का गैप, तो आगे कितने का 9 का गैप करते हैं, है ना, देखते हैं ट्राई करके, 9 है, तो यहाँ पर 9 का गैप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 16 में 9 जोड़ेंगे तो यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर 25, और इसको अगर हम 57 में ऐड करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8 यानी कि 82, यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, तो यानी कि यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एनालॉजी से, है ना, एनालॉजी यहाँ पर कि जिस तरह से 3 और 17 में रिलेशन है, 9 और 7 47 में रिलेशन है, तो यहाँ पर 6 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो 3 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस 2 करता हूँ, ये कितना पूर रहा है यहाँ पर 17 पूर रहा है ना, यानी कि 5 या 15 प्लस 2 17। अगर मैं यही काम यहाँ पर करूँ 9 × 5 + 2 यानी कि 45 + 2 = 47, यानी कि बिल्कुल यही पैटर्न को यहाँ पर फॉलो कर रहा है, तो इसी तरह से हम इसको यहाँ पर करते हैं 6 × 5, है ना, 6 × 5 + 2 यानी कि 30 + 2 यानी कि 32, तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर 4th है ना ये करेक्ट होने वाला है, है ना, तो आप इसको इस तरह से कर सकते थे। हाँ, अगला जो है ना ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बोला था कि फ्रीक्वेंटली इसको हर एक सेट में पूछा जा रहा है ना, तो इस तरह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर शो इट वी, इसको यहाँ पर ये कुछ इस तरह से लिखा है ना, इट इज़ डन, इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, और यहाँ पर वी योर सेल्फ को यहाँ पर ये लिखा है, तो हमसे पूछा कि शो जो है ना शो को इसमें हम क्या लिखेंगे कोडिंग करके, तो यहाँ पर इसको हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस वाले को है ना इस वाले से कंपेयर करते हैं, यहाँ पर देखो आपका इट कॉमन है, और यहाँ पर इसमें क्या कॉमन है आपका कोडिंग में KOR, यानी कि ये आपका जो खत्म हो गया आपका ये किससे, इट से खत्म हो गया। अब इसमें फर्स्ट वाले में और यहाँ पर थर्ड वाले में क्या कॉमन है, यहाँ पर V कॉमन है ना, V कॉमन है, तो V कॉमन है, तो V से किसको कटेंगे हम, यहाँ पर देखो आप NOR है ना, NOR यहाँ पर V से खत्म हो गया, यानी कि बस 100 यहाँ पर बचा इसमें, तो 100 यहाँ पर LOR होना चाहिए, है ना, यानी कि LOR यहाँ पर इसका कोडिंग होना चाहिए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका यहां से करेक्ट होगा, ठीक है। आगे जो है ना यहां पर ये कोडिंग डिकोडिंग से कि इसको यहां पर कोड करके ये लिखा गया है, तो इसको जो है ना कोड करके यहां पर क्या लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या पैटर्न कर रहे हैं, यहां पर टी कितना है 20 है, यहां पर वी 22 है यानी कि प्लस 2 है ना, ए यहां पर 1 है, यहां पर सी 3 है यानी कि फिर से प्लस 2 हो रहा है, यहां पर एन कितना 14 है, पी 16 यहां पर फिर से प्लस 2 हो रहा है, के 11 है यहाँ पर, ये 13 है फिर से प्लस 2, यानी कि हर एक में प्लस 2 ही हो रहा है। यहाँ पर लास्ट में भी देख सकते हो, आर यहाँ पर 20 है,
R18 है यहाँ पर, T20 है, यानी यहाँ पर प्लस टू, सभी में प्लस टू का गैप है, तो यही हमको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यानी कि S जो है ना, S या U होने वाला सबसे पहले, तो हम क्या करते हैं ना, इसके बीच वाला को किसी को मैच कराते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, C तो सभी में है, जैसे कि यहाँ पर जो है थर्ड नंबर वाला जो C है ना, C के बाद क्या होना चाहिए, दो ऐड करेंगे D E, ये तो ख़त्म हो गया ये दोनों, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो V को हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं, यानी कि लास्ट से थर्ड नंबर, यानी कि T के बाद क्या होगा आपका, दो जोड़ेंगे इसमें T में, तो यानी कि आपका होने वाला V यहाँ से, तो ये आपका यहाँ से ख़त्म हो गया, ऑप्शन नंबर वन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका पूछा है कि एनालॉजी से क्वेश्चन है, ये इससे रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड कौन सा होगा, है ना। तो इसमें पैटर्न देखते हैं क्या है, यहाँ पर क्या है, 21 है ना, ये 16 है, फिर यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 21 है। पहला देखो, यहाँ पर इंटरचेंज हो गया पोजीशन, यानी कि ED यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, ED यहाँ पर सभी में, ये तो ख़त्म हो गया आपका। फिर आगे क्या है, यहाँ पर पैटर्न देखो, यहाँ पर R18 है और यहाँ पर V22 है, यहाँ पर I कितना 9 है और यहाँ पर है ना, यानी कि देखो 18 से कितना गया है, 18 से 22 गया है, प्लस 4 हो यहाँ पर हो रहा है, फिर यहाँ पर कितना था आपका 9 था, 9 से कितना जा रहा है आपका 5 पे, यानी कि -4 जा रहा है ना। तो यही काम यहाँ पर करेंगे हम। S में क्या करेंगे हम, S में जोड़ेंगे 4 को, यानी कि S का 19 में जोड़ेंगे हम 4, तो डबल हो जाएगा आपका, है ना, तो डब्लू यहाँ पर है सिर्फ, ये तो ख़त्म हो गया आपका, है ना। अब देखो अगले में आपको मिल जाएगा आंसर, टी यहाँ पर है 20, 20 में 4 माइनस करेंगे यहाँ पर 16 आएगा, 16 को पी बोलते हैं यहाँ पर, है ना, और पी यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाले में, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर वन जो है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि ये क्यूब से क्वेश्चन पूछा हुआ है, 3D क्यूब से, 80 सेंटीमीटर जो है ना साइड के यहाँ पर क्यूब है, जिसको येलो कलर से पेंट किया गया सभी के सभी फेसेस, ठीक है यहाँ तक। फिर जो है ना, कट इंटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर ईच, इसको जो है ना फिर से हम 8 सेंटीमीटर छोटे छोटे क्यूब के फॉर्म में इसको कट किया गया है। तो हमसे पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हैविंग ऑल थ्री फेसेस पेंटेड, यानी कि जिसका तीन फेस पेंट हो, है ना। यानी कि अगर मान लो ये एक बड़ा वाला क्यूब था, इसको हम छोटे छोटे क्यूब में, 8 सेंटीमीटर के क्यूब में इसको हम अगर कट करते हैं, तो देखो अगर मैं यहाँ वाला क्यूब लूँ, है ना, इसके यहाँ वाला, तो यानी कि इसमें दो साइड आपका पेंट होने वाला है ना। यानी कि हमसे पूछा है कि यहाँ पर तीन वाला, यहाँ पर एक ही वास्ता, यहाँ पर कॉर्नर वाला है ना, ये वाला कुछ इस तरह का है ना, यहाँ पर वन साइड, टू साइड, यहाँ पर थ्री साइड, यानी कि तीन साइड जो पेंटेड रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर होने वाला है ना। तो कॉर्नर इसमें कितने होंगे, यहाँ पर 8 होंगे कॉर्नर, यानी कि 8 क्यूब ऐसे होने वाले हैं जिसका तीन साइड यहाँ पर पेंटेड रहने वाला है। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना, 8, ये आपका करेक्ट यहाँ से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि 4-letter क्लस्टर है ना, इसमें से हमको यहाँ पर तीन जो है ना, 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट लेटर क्लस्टर डेट इज डिफरेंट, है ना, जो सबसे अलग है, यही तो पूछता हमेशा। तो यहाँ पर देखो, M यहाँ पर कितना है, M आपका यहाँ पर 13 है, T यहाँ पर कितना आपका 20 है, A यहाँ पर 1 है और यहाँ पर H यहाँ पर 8। इसमें देखो गैप कितने का है ना, यहाँ पर देखो आप 7 का गैप है, यहाँ पर भी 7 का गैप है ना, और यहाँ पर भी आपका 7 का गैप है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं सेकंड नंबर को देखूँ, यहाँ पर C आपका 3 है ना, J 10 है, यहाँ पर Q 17 है और यहाँ पर Y आपका 25 है। इसमें देखो यहाँ पर 7 का गैप है, यहाँ पर 7 का गैप है, लेकिन यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 8 का गैप बन जा रहा है ना। यानी कि ये जो है ना, ये सेकंड नंबर, ये आपका जो है ना सबसे अलग होने वाला, अगर इसको चाहो तो आप आगे वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर H है ना, H 8 है, ठीक है, यहाँ पर O कितना है आपका, O यहाँ पर आपका 15 होगा, तो 8 7 15, यहाँ पर V 22 होगा, 15 7 22, और यहाँ पर C 3 होगा, 22 में अगर 7 जोड़ेंगे तो ये फिर से आपका ये रिपीट हो जाएगा C, यानी कि 3, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो है ना, दो नंबर जो है ना ऑप्शन आपका यही सबसे अलग है, तो यही आपका आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, सीरीज से यहाँ पर फिगर वाला सीरीज है कि यहाँ पर कौन सा आपका होने वाला है ना। तो यहाँ पर जो है ना, तीन यहाँ पर आपके सामने अंदर में फिगर है, तीनों को हम ट्रेस करते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो है ना 90 डिग्री जो है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये कुछ यहाँ पर इस तरह से होने वाला है। तो ये तो आपका गलत हो गया, फोर्थ नंबर सबसे पहले, फिर हम अगर इसको देखें, यहाँ ये था यहाँ, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर आने वाला है
है ना, कुछ इस तरह का, और ये इस तरह का कहाँ पर है, और नीचे में जो है ना इसका जो ये जो कलर है ना, कलर यहाँ नीचे होने वाला है, और नीचे में यहाँ दो में कलर है, नीचे में ये ऊपर में कलर है, नीचे में, यानी कि ये वाला आपका गलत हो गया। फिर जो आपका ये तीसरा वाला फिगर है ना, ये देखो, ये फिर यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ पर आना चाहिए है ना, यहाँ पर, और फिर ये यहाँ पर आएगा है ना। जब यहाँ पर ये आएगा ना, तो ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर फिल रहेगा, और नीचे की तरफ क्या होगा, यहाँ पर खाली रहेगा। यानी कि यहाँ पर देखो, इन दोनों में, इस वाले में तो ये तो गलत है, इसका इंप्रेशन बना हुआ, तो यानी कि ये वाला आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना, ये आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये आपका पेपर फोल्डिंग से है। यहाँ पर जो ये एक स्क्वायर शेप में पेपर था आपका पहले, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको कुछ इस तरह से फोल्ड किया गया है ना, इस तरह से फोल्ड किया गया, तो ये कुछ इस तरह का ही बनेगा ना, कुछ इस तरह का बनेगा जो यहाँ पर दिखाया गया। और इसके बाद क्या किया ना, यहाँ पर देखो, इसमें इस तरह से कट लगा दिया है ना, इसको इस तरह से कट लगा दिया, फिर यहाँ पर इसको इस तरह से कट लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया है ना, इस तरह से लगा दिया, और बीच में जो है ना, ये देखो, यहाँ पर भी लगा हुआ है। जब इसको जब आप फिर से खोलोगे ना, तो ये एक सर्कल यहाँ बन जाएगा, यानी कि ये सर्कल जो है ना, फिर यहाँ पर बनेगा एक यहाँ पर बनेगा, और सर्कल कहीं नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखो आप, सर्कल कितना दे दिया, ये तो गलत हो गया आपका ना, और यहाँ पर भी सर्कल काफ़ी सारा, ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, इसको हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर जो है ना आपका, ये तो ठीक है, इसमें ये भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन अगर हम इसको देखें ना, इस वाले को, तो यानी कि ये जो है ना, इसमें उल्टा दिया हुआ है ना, ये कुछ इस तरह का होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ कुछ इस तरह से दिया हुआ, यानी कि ये भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना, यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। पार को यहाँ पर कोड करके ये लिखा है, रेस को यहाँ पर कोड करके ये लिखा है, तो यहाँ पर केयर को हम कोड करके क्या लिखेंगे? ये सबसे आसान तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पर डायरेक्ट हमको कंपेयर करना है। देखो, सी कहाँ पर है? सी यहाँ पर है, और सी का कोड यहाँ पर क्या है आपका? 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। फिर यहाँ पर ए जो है ना, यहाँ पर ए सेकंड नंबर पर है, तो ए यहाँ पर, ए का कोड यहाँ पर 7 होगा, 6 7। और यहाँ पर जो आर है ना, आर यहाँ पर है ना, आर का यहाँ पर 4 कोड है ना, और लास्ट में ई है, और ई यहाँ पर सबसे लास्ट में, यानी कि 2 है, यानी कि 6 7 4 2, 6 7 4 2, 6 7 4 2 कहाँ पर है? 6 7 4 2 यहाँ पर 4th नंबर पर। तो यहाँ से आपका 4th नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहा आज का 25 क्वेश्चन आपके सामने, काफ़ी आसान तरीके से इसको हम सॉल्व किए, आगे भी हम इसी तरह से करते रहेंगे।